वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए किसान पहुंच चुके हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। वाराणसी से आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर किसान एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं। दो मांगों को लेकर के एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए किसान पहुंच गए, लेकिन बात कर लेते हैं अगर प्रशासन की, तो प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, एसपी कार्यालय का घेराव करने किसान पहुंचे, किसानों पर दर्ज हुए केस को वापस लेने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। और इस मौके पर किसान नेता भी मौजूद है, राकेश टिकैत भी इस समय मौजूद है एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए। किसान पहुंच चुके हैं, हांसी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे किसान, किसानों पर दर्ज हुए केस को वापस लेने की मांग लगातार किसान रख रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी मौके पर मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हांसी से बता रहे हैं, एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं किसान, किसानों पर दर्ज हुए केस को वापस लेने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। और दो दिन पहले किसानों ने कह दिया था कि आज तो हम थाने का घेराव कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। और आज वो समय आ चुका है जब बड़ी मात्रा में किसान इकट्ठा होकर के एसपी कार्यालय पहुंच चुके हैं घेराव करने के लिए। लेकिन इसी के मद्देनजर आपको बताते चले, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। हांसी से खबर आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, किसान नेता राकेश टिकैत भी मौके पर मौजूद है एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए, किसान पहुंच गए, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? हाँ देखिए सृष्टि, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार का बिल्कुल ये हाथी का इलाका है, जहाँ पहले नारनौंद में इस प्रकार का जो ये मामला उपजा था, जो राज्यसभा सांसद है उनके आने के बाद पहले नारनौंद में दो तीन दिन तक धरना चला, और अब हाथी के एसपी के घेराव की जो बात हुई है तो उसको लेकर के आज बड़ी संख्या में किसान वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं, महिला किसानों की भी संख्या उसमें काफी, और जो राकेश टिकैत है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अब उधर प्रशासन की तैयारियों की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने जो अपने प्रबंध किए हुए हैं, खुद आज भी राकेश यहाँ पर सुबह से पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देख रहे हैं, और किसानों की जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको रद्द किया जाए, और जो राजेंद्र जांगड़ा और उनके साथी जो आए थे जिस दिन ये मामला बढ़ा तो उन पर कार्रवाई की जाए, और एक किसान जिसको चोटें लगी है उसकी जो खर्च है हॉस्पिटल का वो भी सरकार द्वारा दिया जाए। तो इन मांगों को लेकर के बड़ा प्रदर्शन आज एसपी घेराव का ये है, और ये देखने वाली बात है कि अभी तक तो सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, और उधर से आईजी का भी यही कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये जो प्रदर्शन है शांतिप्रिय रहेगा, लेकिन किसानों अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जो किसानों की मांगे हैं क्या उसको प्रशासन और सरकार मानती है। जी अनूप, इससे पहले जब थाने का घेराव किया था बड़ी संख्या में किसानों ने, तभी किसानों ने कह दिया था कि वो जल्द ही एसपी कार्यालय का घेराव कर सकते हैं अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। आज उन्होंने एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए वो पहुंच चुके हैं, आगे क्या कुछ उनका रुख हो सकता है अगर मांगे पूरी नहीं होती है, क्या आपकी किसानों से बात हो पाई है? जी बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि आज उनका जो ये प्रदर्शन है, अगर प्रशासन ने आज भी उनकी मांगे नहीं मानी तो वो इससे बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आज जिस प्रकार से किसानों की बड़ी संख्या हाथी में पहुंची है उसको लेकर प्रशासन और किसानों के बीच अगर मीटिंग की का दौर चलता है और सरकार से कोई बात होती तो हो सकता है कोई हल निकल आए। अगर आज भी कोई हल नहीं निकलता है तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो इससे बड़ा कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उधर से प्रशासन में आईजी तक यहाँ तक पहुंचे हुए, तो हो सकता है अगर कोई मीटिंग का दौर चलेगा, किसानों को बुलाया जाएगा प्रशासन की ओर से, तो हो सकता है कोई हल निकल आए, क्योंकि किसानों की मांग है वो यही है कि उन पे जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको रद्द किया जाए। पहले भी कुछ इस प्रकार के जो प्रदर्शन हुए हुए में प्रशासन ने कहीं कहीं किसानों की मांगों को माना है, तो हो सकता है अगर आज भी उनकी मांगे मान ली जाए तो ये जो घेराव का है और आगे की कोई रणनीति है उसको स्थगित किसान कर दें। सृष्टि अनूप, इससे पहले भी तीन दौर की बातचीत हुई थी प्रशासन और किसान के बीच, लेकिन प्रशासन ने साफ मना कर दिया था कि नहीं वो केस वापस नहीं लिए जाएंगे, तो क्या लगता है आज कुछ हल निकल सकता है बातचीत में? देखिए सृष्टि, बिल्कुल पहले कहीं न कहीं जो प्रदर्शन था वो एक छोटे लेवल पर था, एक नारनौंद जो विधानसभा क्षेत्र है उसके पुलिस स्टेशन में था, लेकिन अब एसपी कार्यालय के घेराव की बात आ चुकी है, और अब भी कहीं न कहीं हम देख सकते हैं चाहे वो टोहाना का मामला हो या उससे पहले और कोई भी मामले हो, पहले इसी प्रकार से छोटे प्रदर्शन होते रहे हैं जहां पर प्रशासन ने मांगे नहीं मानी, लेकिन जब बड़ा प्रदर्शन और बड़े किसान नेता इस प्रकार के मामलों में पहुंचना शुरू हो जाते तो कहीं न कहीं प्रशासन को मांगे मान लेनी पड़ती है, और ऐसा मामला लगता है हमें यहाँ भी होने वाला है। अगर किसानों
किसानों की बातें नहीं मानेंगे, उनकी जो मांगे हैं, हो सकता है सारी मांगे ना मानी जाए लेकिन बीच का भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अगर ऐसा कोई रास्ता निकलता है तो ठीक है, नहीं इसके अलावा नहीं तो किसान आगे अपनी रणनीति बताएंगे। बिल्कुल अनूप, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किन मांगों को लेकर किसान यहाँ पर पहुंचे, क्या एक यही प्रमुख मांग है कि जो युवा किसान है उनका मुकदमा वापस लिया जाए? बिल्कुल सृष्टि, ये तो मुख्य मांग है ही, जो किसान हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उनका मुकदमा जो है वो रद्द किया जाए। इसके अलावा दूसरी मांग ये है कि जो किसान को चोटें आई है और जो हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है तो उसके ऊपर जो भी खर्च वहन हो उसका सारा खर्च प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा दिया जाए। इसके साथ साथ एक मांग ये भी है कि जो रामचंद्र राज्यसभा सांसद उस दिन पहुंचे थे उनके साथ जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो इस प्रकार की मांगे किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। सृष्टि, फिलहाल वहाँ की स्थिति क्या कुछ है अनूप, आपसे जानना चाहूंगी अपडेट। देखिए सृष्टि, फिलहाल मैं जिस प्रकार से पहले बता रहा था, किसानों ने जो एक मंच लगाया वहाँ पर किसान बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ से वो एसपी कार्यालय का जो घेराव करने की रणनीति जिन्होंने पहले से बनाई थी उस पर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए, बैरिगेड्स लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर लगाई है, खुद आईजी और यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में देखना ये है कि अब किसान जो अपना संबोधन है उसके बाद एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकलेंगे तो स्थिति सामान्य रहेगी या फिर कोई झड़प भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आसी से, जहां पर एसपी कार्यालय किसान पहुंच गए हैं एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए और प्रमुख मांग है किसानों की कि वो जब तक मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक वो लगातार धरना देते रहेंगे। और इसी के तहत आपको बताते चले